चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? पहले तो सभी लोग कैमरे ओपन कर लो यार अपने। चलिए, सभी को शायद मेरी आवाज क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, एक दो चीजें पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कल से आपकी मशीन की क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो कल से आपका जो है इवनिंग में मशीन की क्लास का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर लगभग कंप्लीट है, तो इंडक्शन से स्टार्ट करूंगा। ट्रांसफार्मर की मैं एक या डेढ़ घंटे की क्लास मॉर्निंग में ले लूंगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर आपका साइड बाई साइड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंगल फेज से आते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट है आपका। थ्री फेज बचा है जो कि आपका जो है कंप्लीट में कर दूंगा साइड बाई साइड। तो कल हम लोग इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, परसों से मॉर्निंग में आपका जो है डेढ़ घंटे का ट्रांसफार्मर का स्लॉट रहेगा और दो से ढाई घंटे का आपका इंडक्शन का रोज का स्लॉट रहेगा, ठीक है। सिविल में यूपीपीसीएल की वैकेंसी आ गई है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो आफ्टर द मार्च में ही आप मान के चले कि आफ्टर द मार्च ही आपका यूपीपीसीएल का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। आपके जो सब्जेक्ट हैं, दैट इज पावर सिस्टम आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। पावर सिस्टम में लगभग आपका 15 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पावर सिस्टम प्लस मशीन आपका, जैसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद मशीन और आपके पावर सिस्टम का स्लॉट आपका बढ़ा दूंगा, ठीक है, जिससे कि सारी की सारी चीजें आपका जो है मैं कंप्लीट करा दूंगा। जनरेशन के भी बीच में मैं आपकी दो से तीन दिन की कंटिन्यूअस क्लास ले लूंगा, लंबी लंबी, पांच से छह घंटे की, जिससे कि आपका जनरेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट कंप्लीट है, गैस और डीजल आपका बचा है, ठीक है। गैस में इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाय चांस गैस से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आपको गैस की ज्यादा चिंता है तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द गैस पावर प्लांट, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहें, ये ना बोले कि सर जो है कि सर जो है बाद में पढ़ने का टाइम चाहिए। आपके पास पर डे का टाइम रहता है, पर डे आप कंटिन्यूअस जो भी चीजें हो गई हैं उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज पे चलते रहें, ठीक है। क्योंकि चुनाव के बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होना होंगे, क्योंकि जिनकी नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वो सारे के सारे जो एग्जामिनेशन है वो आफ्टर द चुनाव ही आपके जो है प्रपोज्ड है, ठीक है। क्योंकि सिविल की ज्यादा वैकेंसी नहीं होती, तो सिविल का एग्जामिनेशन को उन्होंने डेट निकाला है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिकल का जेई का एग्जामिनेशन है वो आपका चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक दिन की प्रिपरेशन नहीं होती कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। पर डे आप कितना चीजें पढ़ रहे हैं, कैसे चीजें रिवाइज कर रहे हैं, उसका एग्जाम उससे ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर के रिलेटेड टॉपिक है उनसे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब सर में एग्जामिनेशन आएगा तब आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। तो जो भी आपका यूथ पब्लिकेशन है उसको आप एक बार पूरा गो थ्रू हो जाइए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, या फिर आपके जो भी 4,000 से 5,000 क्वेश्चन का एक बैंक आता है यूथ का, कम से कम उसको तो आपको लगा के जाना ही है, ठीक है। आज वैसे मैंने आपका ढाई ढाई घंटे का स्लॉट रखा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जल्द से जल्द 20 तारीख तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो है जैसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपके जो भी मशीन और पावर सिस्टम के दो ही स्लॉट चलेंगे। शाम को आपका ईडीसी का जो स्लॉट चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। डायोड आपका कंप्लीट हो गया है, उसमें बीजेटी से और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब बीजेटी और डायोड से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, और जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन सर ने ईडीसी में करा दिया है वो सफिशियंट है, ठीक है। तो आप ईडीसी की चिंता ना करें, जो है ईडीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल जो स्टार्टिंग का पोर्शन उससे पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायोड से पूछे जाएंगे, और ज्यादा अगर आपसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा बीजेटी से एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बाकी उतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। यूटिलाइजेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगा जो है, ठीक है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। मेन आप अपने 5 से 6 सब्जेक्ट जो हो चुके हैं उन पे ज्यादा फोकस करें। कंट्रोल आपके हिसाब से हो चुका है, डिजिटल आपके हिसाब से हो चुका है, जो बात फंस रही है वो आपका जो है मशीन में भी आप देखेंगे ट्रांसफार्मर इंडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिमाग आप लोग ने लगाए कि हाँ सर इससे क्वेश्चन ये नहीं हो गया, जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो लगभग आपके टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। तो आप उनको एक बार रिवाइज करें, बाकी आपका सब्जेक्ट हो रहा है, घबराने की पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डे बाय डे पढ़ते जाएं, प्रोग्रेस करते जाएं, आपके एग्जामिनेशन तक आपका सिलेबस हो जाएगा, उसकी आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कल इरफान का फोन आ गया कि सर वो सिविल वालों का जो है क्या कहते हैं डेट आ गया है, सिविल वालों की नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है इसलिए डेट निकाला गया है, ठीक है।
आपके इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा उनको रिक्रूटमेंट करना है, तो वो एग्जामिनेशन आफ्टर द चुनाव ही करा पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी आप देखेंगे कॉलेज स्कूल है वहां पर सभी की ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें जो है प्लान नहीं होती है कि चुनाव के बीच में एक बड़ा एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। तो आप पैनिक ना लें, आराम से अपने सिलेबस को करते जाएं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग जो है टाइप ऑफ द कंडक्टर में चल रहे थे, ठीक है। टाइप ऑफ द कंडक्टर में मैंने आपको ACSR कंडक्टर आपका स्टार्ट किया था। ACSR कंडक्टर मैंने बताया था कि आपका कंपोजिट कंडक्टर होता है, और ये आपका जो है जनरली जो होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं उसमें से जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है, सेंट्रल स्ट्रैंड होता है उससे सबसे ज्यादा फ्लक्स क्या करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो है जो होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है उसमें मैंने बताया था जो सेंट्रल स्ट्रैंड होगा उसे सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, जिसकी वजह से उस सेंट्रल स्ट्रैंड से जो करंट फ्लो करेगा, करंट में फ्लो कराने में उसका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो जनरली हम जो है सेंट्रल स्ट्रैंड को होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर में सेंट्रल स्ट्रैंड को हम लोग ऐसे स्ट्रैंड से रिप्लेस करते हैं जिसकी टेंसाइल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम का सेंट्रल स्ट्रैंड लगा था होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर में उसको हमने रिप्लेस कर दिया गैल्वनाइज स्टील के स्ट्रैंड से, जिससे कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। कंडक्टिविटी में उसका कोई रोल होता नहीं, स्टील की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी होती नहीं, वैसे भी हमें स्ट्रैंडेड कंडक्टर में सेंट्रल वाले से करंट फ्लो नहीं करता, जो आपके पास आउटर स्ट्रैंड होते हैं कंडक्टर के उसी से करंट फ्लो करता है। तो लिखा था टू इंक्रीज the tensile strength and reduce the sag in the stranded conductor we use composite conductor, ठीक है। stranded conductor जैसे जो homogeneous conductor होता है उसमें tensile और strength को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, composite stranded conductor को use करते हैं। for making the composite stranded conductor from the homogeneous stranded conductor the central strand is replaced by the galvanized steel, ये मैंने आपको structure बताया था जिसमें से जो central strand है वो steel का बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपकी टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जिससे कि आपका सैग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड लगे हैं वो आपके कंडक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी चीज लिखाई थी, गैल्वनाइज एग्जाम्पल भी लिखा था कि इस कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एग्जाम्पल है ACSR कंडक्टर, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर। जनरली ACSR कंडक्टर हाई वोल्टेज लेवल पे क्या किए जाते हैं, यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज लेवल मतलब आप बोल सकते हैं कि 220 kVA तक, 220 kVA तक जनरली आप क्या कर सकते हैं, ACSR यूज कर सकते हैं। 220 kVA से ऊपर जनरली 400 kVA पे आप क्या यूज करते हैं, दैट इज एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर। तो अभी डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर का क्या जो है एडवांटेज है, ठीक है। तो यहां पर मैंने हाई वोल्टेज लिख दिया था, हाई वोल्टेज की जगह इस चीज को काट दीजिए, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर इट इज यूज फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लगभग आपका 400 kVA से स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर कट कर दीजिए, नाउ दिस पॉइंट विल बी, यू कैन बी कट फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, इसको कट कर दीजिए। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पे आप एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर ACSR कंडक्टर की तरह होता है, बस वहां पर जो स्ट्रैंड होते हैं वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगा देते हैं, बीच पे इंसुलेशन की लेयर लगा देते हैं, जिससे कि इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है। इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से आप देखेंगे कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि लॉसेज आपके कंडक्टर में कम हो जाएंगे। अब रेडियस बढ़ाने से कौन कौन से लॉस कम हो जाएंगे, एक तो आप देखेंगे कोरोना पावर लॉस कम हो जाता है, जितना जिस ज्यादा रेडियस होगा आपके कंडक्टर का उतना ही आपके कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो कोरोना पावर लॉस कम हो जाएगा। और आपके स्ट्रैंड जितने जितने दूर होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स उनसे क्या करेगा, कम लिंक करेगा, फ्लक्स लिंकेज उतना कम होगा। जितना कम फ्लक्स लिंकेज होगा उतना कम अपोजिशन ऑफर करेगा कंडक्टर। अगर पोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर कम है तो आपके जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रैंड करेंगे पूरे पूरे स्ट्रैंड के क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो करेगा, मतलब स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होगा, और जितना कम स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, जो आपका एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर होता है वो जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज यूज फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लगभग 400 kVA से क्या होता है, स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन में लिखा था कि जनरली आपके जो कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कई बार आप अपने जो ACSR कंडक्टर होता है,
ACSR कंडक्टर को X by Y के रेशियो में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। X by Y के रेशियो मतलब न्यूमरेटर में एक नंबर लिखा होगा, डिनोमिनेटर में एक नंबर लिखा होगा, इस रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 30/7 ACSR कंडक्टर। तो बेटा X Y Y के रेशियो में कौन मेरा एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ होता है और कौन मेरा आपके स्टील के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो ऊपर जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर स्टील लिखा जाएगा या फिर नीचे स्टील लिखा जाएगा, कहीं भी स्टील का स्ट्रेंथ भी हो सकता है, कहीं भी आपका एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन ACSR कंडक्टर में आपका जो है X बाई वाई में जो नंबर बड़ा होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा, न्यूमरेटर का नंबर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर, जो नंबर बड़ा होगा वो हमेशा एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ क्या होते हैं, स्टील के स्ट्रेंथ से हमेशा ज्यादा होते हैं। ACSR कंडक्टर में हमेशा एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ जो होंगे, एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और स्टील के स्ट्रेंथ क्या होगा, कम, क्योंकि कंडक्टिविटी, कंडक्टर का काम है करंट को पास कराना, करंट को पास कराने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो एक्स वाई वाई के रेशियो में जो भी नंबर ज्यादा होगा वो हमेशा एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी नंबर कम होगा वो हमेशा स्टील के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और आप देखेंगे अगर आपको एल्यूमिनियम और स्टील के स्ट्रेंथ मालूम है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, स्टील का स्ट्रेंथ प्लस एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ। अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आपको मालूम है आपके ACSR कंडक्टर में, तो आप उसका कॉन्फिगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि कितने कितने लेयर का आपका जो है ACSR कंडक्टर होने वाला है। फिर उसके बाद टेक्निकल नेम के बारे में बात करते हैं एक्सपेंडेड ACSR के, तो जनरल क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी विल गो फॉर दैट नेक्स्ट स्टेज, लिखना स्टार्ट करें। एक मिनट, चल नाउ लिखना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट, ACSR कंडक्टर, ACSR मतलब कंपोजिट कंडक्टर। जब भी मैं ACSR बोल रहा हूं मतलब मैं कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। ACSR ACSR कंडक्टर is represented ACSR conductor is represented by XY by ratio। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका ACSR कंडक्टर होगा उसको जनरली हम एक्स वाई वाई के रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। अब न्यूमरेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में वाई है, मतलब ऊपर एक नंबर होगा, एक्स एक नंबर होगा, वाई भी एक नंबर होगा। अब इनमें से कहां पर एल्यूमिनियम का स्टैंड लिखा जाता है, कहां पर आपका स्टील का स्टैंड लिखा जाता है, ये जरूरी नहीं है। ऊपर भी आप स्टील का स्टैंड लिख सकते हैं, नीचे एल्यूमिनियम का स्टैंड लिख सकते हैं, या फिर आप ऊपर स्टील का, आप जो है एल्यूमिनियम का स्टैंड लिख दीजिए, नीचे स्टील का स्टैंड लिख दीजिए। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ACSR कंडक्टर में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्टैंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आपका स्टील स्टैंड। तो इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी नंबर छोटा होगा वो आपके स्टील के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक्स और वाई में कोई भी एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ भी बता सकता है, स्टील भी बता सकता है। एक्स आपका एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ को भी बता सकता है और आपके स्टील के स्ट्रेंथ को भी बता सकता है, वाई भी आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ को बता सकता है और स्टील के स्ट्रेंथ को। लेकिन इनमें से जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमेशा स्टील का स्ट्रेंथ, जो भी नंबर छोटा होगा वो स्टील का स्ट्रेंथ होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म है कि ACSR कंडक्टर में जब भी आप एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में जब आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमेशा एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी नंबर छोटा होगा वो हमेशा आपके स्टील के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं वेयर एक्स वाई वाई के रेशियो में वेयर एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ
स्टील स्ट्रेंथ्स, स्टील के स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी को भी रिप्रेजेंट, एक्स आपके किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी तरह वाई भी किसी भी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ स्टील के स्ट्रेंथ्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ACSR कंडक्टर को जब भी आप एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा उसमें एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और स्टील का स्ट्रेंथ कम, तो इनमें से जो भी नंबर एक्स और वाई में जो भी बड़ा होगा वो आपका एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी छोटा होगा वो स्टील के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो लिख रहा हूं, एक पॉइंट लिख के नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इन द ACSR कंडक्टर, इन द ACSR कंडक्टर ऑलवेज ऑलवेज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ्स, स्टील स्ट्रेंथ्स, ठीक है। हमेशा आपके ACSR कंडक्टर का रूल होता है कि ACSR कंडक्टर में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, दैट इज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ्स, ठीक है। चलो, दैट इज, इसको आप मैथमेटिकली भी लिख लीजिए, दैट इज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा बात करते हैं, मैं आपको इस रिप्रेजेंटेशन में भी चीजें बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 6/1 या फिर 6/1 एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में लिखा है 6/1 ACSR कंडक्टर, इसमें कितना स्टील का स्ट्रेंथ होगा, कितना आपका एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ होगा, और कितने लेयर का कंडक्टर होगा, ठीक है। उसका कॉन्फिगरेशन कैसा होगा ये हम लोग देखने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज 6/1 ACSR कंडक्टर। पहला चीज इसमें पूछेगा कि यहां पर जो आपका जो ACSR कंडक्टर है वो एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में लिखा है, इस एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में जो ACSR कंडक्टर है इसमें कितना स्टील का कंडक्टर, कितना आपके एल्यूमिनियम का,
दैट इज कंडक्टर की जगह स्ट्रैंड वर्ड है, कभी भी कंडक्टर बोलूं तो स्ट्रैंड समझिएगा, कितना स्टील का स्ट्रैंड है और कितना आपका एल्यूमिनियम का स्ट्रैंड है, एक तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद टोटल इसमें जो स्ट्रैंड, टोटल नंबर स्टील और एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड अगर आपको मालूम हो तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड आप बता सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड बताने के बाद आप बता सकते हैं कितने लेयर का ये ACSR कंडक्टर होने वाला है। तो मैंने बताया था कि जब भी ACSR कंडक्टर को एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा जो भी नंबर बड़ा होगा एक्स वाई वाई के फॉर्मेट में, जो भी नंबर बड़ा होगा वो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी नंबर छोटा होगा वो आपके स्टील के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखिए न्यूमरेटर में एक्स होता है, एक्स आपका बड़ा है तो एक्स एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा और बेटा वाई छोटा है वो आपके स्टील के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज नथिंग बट जो ACSR कंडक्टर है इसमें कितने आपके स्टील के स्ट्रैंड है, सिक्स, दैट इज सिक्स आपके स्टील के स्ट्रैंड है, नंबर ऑफ स्टील नहीं नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड जो भी नंबर बड़ा होगा वो आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो छह छह न्यूमरेटर एक्स बड़ा है तो आपका जो न्यूमरेटर है जो कि एक्स होता है जो कि छह ये बड़ा है और वाई छोटा है तो जो भी बड़ा होगा एक्स बड़ा है तो एक्स आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज नथिंग बट द सिक्स। और नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड जो छोटा होगा, नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0-1। और स्टील और एल्यूमिनियम का स्ट्रैंड मालूम है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स इन ACSR इन ACSR कंडक्टर दैट इज इक्वल टू 6+1 या फिर दैट इज पहले स्टील के लिख देते हैं फिर आपका एल्यूमिनियम के लिख देते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 7, टोटल 7। अब कितने लेयर है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं दैट इज 1+6। 1 आपका कौन सी लेयर होगी, सेंट्रल लेयर होगी, और बेटा उसके बाद सेंट्रल लेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है, फर्स्ट लेयर। तो ये कितने लेयर का आपका ACSR कंडक्टर है, दैट इज नथिंग बट द दैट इज वन लेयर का, दैट इज वन लेयर ACSR कंडक्टर, जो लास्ट वाली लेयर होती है उतनी लेयर का, वन लेयर का ACSR कंडक्टर है जिसमें आपके पास दैट इज टोटल 7 स्ट्रैंड है और बेटा सेंट्रल स्ट्रैंड किसका होगा, स्टील का होगा और बेटा 6 आपके जो स्ट्रैंड होंगे वो आपके किसके बने होंगे, एल्यूमिनियम के बने होंगे, ठीक है। 6 ये स्टील के स्ट्रैंड है और ये एल्यूमिनियम के, हम लिख देता हूं जैसे द स्टील स्ट्रैंड, एक ही स्टील का स्ट्रैंड है सेंट्रल वाला, दिस इज द स्टील स्ट्रैंड और बेटा 6 आपके किसके स्ट्रैंड है, ये एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड है, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं, अरे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड स्टील, सॉरी फॉर दैट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड गलती से लिख गया था, चल तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बना देता हूं। सेंट्रल स्ट्रैंड स्टील का बना है, ठीक है, पहले स्टील के स्टैंड होते हैं फिर एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं और देखेंगे एक ही स्टील का स्टैंड है तो सेंट्रल वाला ही होगा, सेंट्रल में हमेशा एक ही स्टैंड होता है, सेंट्रल स्टैंड मेरा स्टील का है, ठीक। उसके बाद 6 स्टैंड आपके जो है Thank you.
छह स्ट्रैंड होंगे फर्स्ट लेयर में जो कि एल्यूमिनियम के होंगे, ठीक। नाउ ये वाले स्टील का है रेड कलर वाला, और ये आपका जो है दिस इज छह स्टैंड एल्यूमिनियम के, ठीक है ना। ये छह स्टैंड आपके एल्यूमिनियम के, ग्रीन कलर से कर देता हूं इसको, ठीक। चल दिस इज नथिंग बट द स्ट्रैंड नंबर वन, दिस इज स्ट्रैंड नंबर वन, दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज सेवन, ठीक है। ये वाला जो सेंटर पे मैंने बनाया है, ये वाला, ये स्टील का है और बाकी मेरे एल्यूमिनियम के, दिस इज नथिंग बट द रेड कलर वाला जो है, ये वाला मेरा स्टील का स्ट्रैंड है, स्टील स्ट्रैंड है, और ये आपका यूज किया जाता है स्टील का स्ट्रैंड यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड टेंसाइल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये जो बना होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का होता है, एंड इट इज फर्स्ट पॉइंट इट इज, या फिर यू कैन बी टेक इट हियर, इट इज मेड ऑफ ऑफ गैल्वनाइज्ड स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील, ठीक है। और ये सारे के सारे जो आउटर साइड पे है, ये जो सारे के सारे हैं आउटर साइड पे, ये आउटर ये हैं एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, छह एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड हैं, इट इज यूज्ड या फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल, दीज स्ट्रैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, इतना हो गया होगा आपका। चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है
दिस इज 30/7 ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर X बाई वाई के फॉर्मेट में ACSR कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया। ACSR कंडक्टर को या फिर एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं और किसी कंडक्टर को नहीं लिखते। अगर आपके पास 30/7 लिखा है तो जनरली वो ACSR कंडक्टर ही होगा रिप्रेजेंट, और किसी को नहीं लिखते। आप सोचे स्टैंडर्ड कंडक्टर को इस फॉर्मेट में X बाई वाई फॉर्मेट में, और X दैट इज स्टैंडर्ड में भी कौन सा ACSR कंडक्टर, ठीक है। नाउ अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल इसमें दैट इज कितने स्टील के स्टैंड है और कितने एल्यूमिनियम के स्टैंड है। तो जो भी नंबर बेटा बड़ा होगा, x बड़ा है तो जो भी बड़ा होगा, 30 बड़ा है तो x आपका जो है एल्यूमिनियम के स्टैंड को, 30 मेरे एल्यूमिनियम के स्टैंड है और 7 मेरे स्टील के स्टैंड है, 7 स्टील के स्टैंड है। तो जब हम कॉन्फिग्रेशन करते हैं, जब हम कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो टोटल स्टैंड कितने हुए, 37। 37 है तो कितना लेयर होगा, 37 को लिखेंगे 1, 6, 12 and that is nothing but the 18। तो आपके पास 3 layer का होने वाला है, 3 layer के stranded conductor होगा। 3 layer में से central layer में तो 1 आता है, तो पहले steel वाले set करते हैं। steel के होंगे 1 + 6, तो first central layer भी steel की बनी होगी, first layer भी steel की बनी होगी, फिर 12 और फिर 18। 12 जो स्टैंड होंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे और 18 स्टैंड भी जो आपकी थर्ड लेयर में होंगे वो भी एल्यूमिनियम के होंगे। टोटल मिला के 30 एल्यूमिनियम के हो जाएंगे और 6 आपके किसके होंगे, स्टील के होंगे, ठीक है। यहां लिख रहा हूं दैट इज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ्स। अगर एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो भी बड़ा नंबर होगा, 30 बड़ा है, एक्स इज बड़ा, 30 आपके एल्यूमिनियम के लेयर निकालना समझा दे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ हो जाएंगे जो छोटा होगा दैट इज 7। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स इन द ACSR कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अगर पूछा जाएगा तो 30 + 7 दोनों को ऐड कर देंगे, 30 + 7 कितने हो जाएंगे, 37। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हो गए 37। अब लेयर निकालने के लिए 37 को क्या लिखेंगे, 37 को लिखेंगे 1 + 6 + 12 प्लस 18, ऐड कर लीजिए 37 होगा, ये 37 होगा, ठीक है। अब कितनी लेयर होगी, जो भी आउटर लेयर होगी, पहली लेयर सेंट्रल होगी, ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर, आउटर लेयर कौन सी, थर्ड लेयर। तो कितने लेयर का होगा, थर्ड दैट इज 3 लेयर का ACSR कंडक्टर। यहां लिख देता हूं ये कितने लेयर का है, हेलो यहां मैंने लेयर नहीं लिखा था, यहां लेयर लिखे, ये है आपके पास 6/1 ACSR कंडक्टर, ये कितने लेयर का है, दिस इज 1 layer ACSR कंडक्टर, ये 1 layer का ACSR कंडक्टर था, ऊपर जाके लिख लीजिएगा 1 layer ACSR कंडक्टर। ना यहां पर आप देखेंगे, यहां अगर बात की जाए, ये मेरी सेंट्रल लेयर है, ये मेरी फर्स्ट लेयर है, ये मेरी सेकेंड लेयर है और ये मेरी थर्ड लेयर है, दिस इज थर्ड लेयर, ठीक है। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, जो आउटर लेयर होती है वही आपका। तो ये अगर पूछा जाए ये जो आपके पास 30/7 ACSR कंडक्टर है ये कितने लेयर का है, तो दिस इज द 3 layer ACSR कंडक्टर। अब इस 3 layer में से आप देखेंगे टोटल 3 layer का है, जिसमें से कितनी मेरी स्टील की लेयर होगी, तो स्टील के टोटल स्टैंड है 7, हेलो 7, तो 1 + 6 ये 7 हो जाएगा। तो स्टील की कितनी लेयर होगी, सेंट्रल लेयर भी स्टील की होगी, फर्स्ट लेयर भी स्टील होगी,
सेंट्रल लेयर में एक स्टैंड होगा और बेटा फर्स्ट लेयर में 6 स्टैंड, तो टोटल स्टील के स्टैंड हो गए 7 और बेटा एल्यूमिनियम के टोटल स्टैंड कितने 30, तो 12 + 18, तो फर्स्ट सेकंड लेयर और थर्ड लेयर मेरे एल्यूमिनियम के स्टैंड होने वाले। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द ये आपके दैट इज सेंट्रल एंड फर्स्ट लेयर मेरी स्टील की स्ट्रेंथ हुई, दिस इज द स्टील स्ट्रेंथ लेयर, दिस इज द 106 टोटल मेरे यहां पर सेंट्रल और फर्स्ट लेयर में स्टील स्ट्रेंथ होंगे, स्टील स्ट्रेंथ, और सेकंड और थर्ड लेयर में मेरे पास एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ होंगे। ठीक है, बेटा पीछे के लेक्चर देखिए जो है पूजा, मैं आपको दोबारा नहीं बता पाऊं फैक्टर किस हिसाब से कर दिए, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, बार बार नहीं बता पाऊंगा। चलो इसका और एक फिगर बना देता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, सेंट्रल लेयर एंड फर्स्ट लेयर स्टील की होने वाली है। चलो फर्स्ट लेयर में 6 स्ट्रैंड्स होंगे, चलो ये मेरी स्टील की स्ट्रैंड्स हो गए। उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी उसमें 12 होंगे, ये 12 स्टैंड हो गए जो कि एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट थर्ड लेयर पे आपके पास 18 होंगे, दिस इज लाइक दिस।
चलिए ये टोटल मेरे स्टील के स्टैंड हो गए सात, सात ये मेरे स्टील के स्टैंड हो गए, ठीक है। और ये मेरे बेटा जो है 30 मेरे ये ग्रीन वाले, 30 मेरे ये एल्यूमिनियम के स्टैंड हो गए, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक दिस, दिस इज थ्री लेयर, दिस इज थ्री लेयर, ACSR कंडक्टर, और इसको आप लिख सकते हैं 30/7 ACSR कंडक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज आपके जो सात स्ट्रैंड है बीच वाले सेंट्रल एंड फर्स्ट लेयर के, ये स्टील के स्ट्रैंड है, स्टील लिख देता हूं, स्टील, ये स्टील के स्ट्रैंड है, और बाकी बेटा आपके कौन से स्ट्रैंड है बेटा, ये आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड है, एल्यूमिनियम, सेकेंड लेयर में ये 12 हो गए एल्यूमिनियम के, और ये बेटा थर्ड लेयर में 18 हो गए एल्यूमिनियम के, ठीक। नाउ दिस इज नथिंग बट द 30/7 ACSR कंडक्टर, क्या हो गया उसको फल चार हो गया। चलिए नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज 7/54 ACSR कंडक्टर, ठीक है। आपको केवल ये बताना है कि कितने स्टील के हैं, कितने एल्यूमिनियम के हैं, कितने लेयर का होने वाला है, ठीक है, और कितनी लेयर स्टील की बनी हो, कितनी लेयर आपकी एल्यूमिनियम की बनी होगी। तो टोटल आप देखेंगे, अगर बात किया जाए नंबर ऑफ स्टील स्ट्रेंथ, जो छोटा होगा वो स्टील के स्ट्रेंथ पर, तो टोटल मेरे पास सात स्टील के स्ट्रेंथ होंगे, जो बड़ा होगा एक्स बाई वाई में वो एल्यूमिनियम होगा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ दैट इज 54, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन द ACSR कंडक्टर, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 61 आ जाएगा। और बेटा कितना लेयर है, आप 61 को ब्रेक करेंगे 1, फिर 6, फिर उसके बाद 12 प्लस 18 प्लस 24, ठीक है, आप इनको ऐड करेंगे तो यहां तक तो मैंने बता दिया था आपको, ये टोटल आपके पास कितना होगा 39 में से आप 24 और ऐड करिए, ये 37 हो रहा था, 39 नहीं हो रहा था, 37
37 में से आप 24 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा। तो दिस इज ए सेंट्रल लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। दिस इज ए फोर लेयर स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर। दिस इज ए सेंट्रल लेयर। ये कौन सी लेयर है? दिस इज द फर्स्ट लेयर। दिस इज सेकंड लेयर। नाउ दिस इज थर्ड लेयर। एंड दिस इज फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर, ठीक है? चार लेयर का होगा। तो दिस इज नथिंग बट ए, दिस इज ए फोर लेयर ACSR कंडक्टर। अब टोटल मेरे स्टील के जो स्ट्रैंड है, स्टील के जो स्ट्रैंड है सात है, तो सात कैसे आएगा? वन प्लस सिक्स, ये सात है। तो टोटल मेरे पास सात है, मतलब सेंट्रल लेयर और फर्स्ट लेयर मेरी स्टील के स्ट्रैंड होंगे। दीज आर द वन एंड सिक्स, सेवन स्टील के स्ट्रैंड होंगे। और बेटा उसके बाद ट्वेल्व, सेकेंड लेयर में ट्वेल्व होंगे जो कि एल्यूमिनियम होंगे। थर्ड लेयर में अठारह एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होंगे। और बेटा फोर्थ लेयर में 24 स्टील के स्ट्रैंड होंगे। दी जाता स्टील स्ट्रैंड्स या फिर एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, दी जाता एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स की, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स की टोटल तीन लेयर होंगी। और बेटा स्टील के स्ट्रैंड्स की टोटल आपके पास दो लेयर होने वाली है। सेंट्रल एंड फर्स्ट स्टील के स्ट्रैंड की लेयर होगी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपके पास एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड की लेयर होगी, ठीक है? स्ट्रक्चर बना लेंगे, मैंने आपको बनाना बता दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्निकल नेम। जब आप जो है जॉब करते हैं तो वहां पर यह थोड़ा बोला जाता है कि आपका जो है दैट इज 37 30 by 37 का ACSR लिया हो, या फिर आपका जो है दैट इज वहां पर केवीए के हिसाब से आपको मालूम होता है 200 केवीए पे कौन सा ACSR लगा होता है, उसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं, टोटल स्ट्रैंड मालूम होता है कितने एल्यूमिनियम और कितने आपके जो है स्टील के होते हैं, ये चीज वहां पर फिक्स होती है, ठीक है? तो जनरली जो है 132 केवीए की जो लाइन होती है, 132 केवीए की लाइन होती है, जो 132 केवीए की जो लाइन होगी उसमें जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका नाम होता है पैंथर, ठीक है? तो टेक्निकली जो लाइन मैन होता है, अगर 132 केवी की लाइन होती है तो 132 केवी की लाइन में पैंथर लगता है। पैंथर मेरा ACSR कंडक्टर होता है जो 132 केवी की लाइन के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो स्टील के स्ट्रैंड होते हैं वो 30 होते हैं, और आपके अदर एल्यूमिनियम के जो स्ट्रैंड होते हैं वो 30 होते हैं, और आपके जो स्टील के स्ट्रैंड होते हैं दैट इज 7 होते हैं। तो टोटल 37 स्ट्रैंड का ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। कितनी केवीए की लाइन के लिए? 132 केवीए की लाइन के लिए। 132 केवीए की लाइन के लिए जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका टेक्निकल नेम होता है पैंथर, ठीक है? उसमें 30 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होंगे और 7 स्टील के स्ट्रैंड होंगे। और बेटा हर एक स्ट्रैंड का जो डायामीटर होगा वो 3 mm का होगा, 3 mm का हर एक स्ट्रैंड होगा, चाहे स्टील का हो चाहे आपके पास एल्यूमिनियम का। उसी तरह 220 केवीए की लाइन के लिए जो ACSR कंडक्टर यूज किया जाता है उसका नाम होता है जेब्रा, ठीक है? जेब्रा इज नथिंग बट ए ACSR कंडक्टर विच इज यूज फॉर द 22 केवीए लाइन। इसमें जो है ये जो जेब्रा होता है ये आपका 22 दैट इज 220 केवीए की लाइन के लिए जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका नाम होता है जेब्रा। इसमें आपके 54 एल्यूमिनियम के स्टैंड होते हैं और 7 स्टैंड आपके स्टील के होते हैं, ठीक है? दैट इज 54 आपके एल्यूमिनियम के स्टैंड होंगे, 7 स्टैंड आपके किसके होंगे? स्टील के होंगे। और हर एक स्टैंड का जो डायामीटर होता है वो 3.18 mm दैट इज मिलीमीटर का होता है, mm विल बी देयर, ठीक है? उसी तरह 400 केवीए की जो लाइन होती है उसमें जो हम लोग ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है, 400 केवी की लाइन की जो ACSR कंडक्टर है, वैसे 400 केवी में जो ACSR जो कंडक्टर यूज किया जाता है बंडल्ड कंडक्टर होता है। बंडल कंडक्टर में कई सारे ACSR कंडक्टर यूज करेंगे, उन ACSR कंडक्टर का जो नाम टेक्निकल नाम होता है उसका नाम होता है मूस,
ठीक है, मूस इज यूज फॉर द 400 KVA लाइन, 400 KVA की लाइन के लिए जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका नाम होता है मूस। और बेटा मूस में भी आपके 54 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होते हैं और 7 स्ट्रैंड आपके किसके होते हैं, स्टील के होते हैं। लेकिन वहां पर जो डायामीटर होता है हर एक स्ट्रैंड का वो बड़ा होता है, वो होता है 3.53 mm। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखा देता हूँ, टेक्निकल नेम अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितनी केवीए लाइन के लिए जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उनका नाम क्या होता है, टेक्निकल नेम। ठीक है, वहां पर ये नहीं बोला जाता कि 30x7 का ACSR लिया हो, 50x7 का लिया हो, 50x7 का लिया हो, वहां जेब्रा पैंथर दैट इज नथिंग बट द मूस, इस तरह नाम चलता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं टेक्निकल नेम, टेक्निकल नेम ऑफ ACSR कंडक्टर, टेक्निकल नेम ऑफ ACSR कंडक्टर। पहला है फॉर 132 KVA लाइन, और ये तो 132 ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, 132 केवीए लाइन के लिए जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका टेक्निकल नेम होता है पैंथर। ठीक है, क्या नाम होता है, पैंथर। पैंथर में जो है मेरे 30 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होंगे और 7 आपके स्टील के, 30x7 XY के फॉर्मेट में लिखा है, 30x7 का ACSR कंडक्टर पैंथर, ये 30x7 ACSR कंडक्टर है। ठीक है, और इस 30x7 में से कितने बेटा एल्यूमिनियम के स्टैंड है, 30 एल्यूमिनियम के स्टैंड है और 7 स्टील के स्टैंड है, और हर एक स्ट्रैंड का ईच स्ट्रैंड डायामीटर, पैंथर में जो हर एक स्टैंड यूज कर रहा है डायामीटर ऑफ ईच स्टैंड इज 3 mm, चाहे स्टील का हो चाहे एल्यूमिनियम का, सबका डायामीटर समान है, डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 3 mm। दूसरा लिखें, फॉर 220 KV, 220 KV की जो लाइन होती है उसके लिए जो हम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका टेक्निकल नेम होता है जीब्रा। जीब्रा इज नथिंग बट द 54x7 ACSR कंडक्टर होता है। और इस जीब्रा में हर एक स्ट्रैंड का जो डायामीटर होगा, डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 3.18 mm। एक और लिखा देता हूं, ठीक है, थर्ड, फॉर 400 KVA लाइन के लिए जो हम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं उसका नाम होता है मूस, मूस, मूस इज आल्सो ए 54x7
ACSR कंडक्टर, लेकिन डायमीटर अलग होगी स्ट्रेंथ पे, तभी ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगा। डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रेंथ इज 3.53 mm। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर भी होता है। चूहे वाला मूस नहीं है बेटा, ये अलग चीज है, नाम है। डॉग भी होता है, ठीक है, डॉग भी होता है, डियर भी होता है। ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपको, कुछ एग्जांपल डॉग भी है, डियर भी है, ठीक है, बट मैंने कुछ नाम आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, चार सौ केवीए से ऊपर भी मूस यूज कर सकते हैं। देखो 400 केवीए से ऊपर बंडल आ जाएगा, बंडल में एक फेज के लिए एक से ज्यादा हम जो है कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है, जो जैसे मान लो टू का बंडल है, टू के बंडल में दो आप मूस यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक मूस जो होगा उस वो आपका 54/7 का ACSR कंडक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखे That is expanded ACSR conductor. Expanded ACSR conductor. Expanded एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर, ठीक है। अब ACSR एक्सपेंडेड ACSR में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन आप करेंगे वो हायर वोल्टेज लेवल पे करते हैं, ठीक है। उसके एडवांटेज कई सारे हैं कि आपका जो है हाई वोल्टेज पावर रेटिंग में जो करंट ड्रॉन होता है, करंट ट्रांसमिशन लाइन में कम हो जाता है, लॉसेज कम हो जाएंगे, आई स्क्वायर लॉस करंट कम हो जाएगा, तो आई स्क्वायर लॉस कम होगा, ड्रॉप कम होगा, रेगुलेशन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, कई सारे एडवांटेज है, ठीक है, वी विल डिस्कस, ठीक है। तो अब देखेंगे दूसरा जो है, जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ाते जाएंगे, 220 केवीए के बाद 400 केवीए, 400 के बाद 765, अब आपका 1200 केवीए पे भी ट्रांसमिट कर रहा है, तो वोल्टेज लेवल जितना ज्यादा होगा आपके कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फार्मूला में E इक्वल टू क्या था, वी डिवाइडेड बाई आर एल एन डी बाई आर। तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उतना ज्यादा कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर आप कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके एयर की डाइइलेक्ट्रिकेशन से ज्यादा हो तो आयनाइजेशन हो जाएगा। तो हायर वोल्टेज लेवल पे आप देखेंगे आपके कोरोना फॉर्मेशन आ जाएंगे, एयर के आयनाइजेशन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हायर वोल्टेज लेवल पे आप जो है ज्यादा रेडियस का कंडक्टर, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब हायर वोल्टेज लेवल होता है तो उतना मोटा है, उतना जो है हायर, उतने ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो तो रेडियस ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, जो ACSR कंडक्टर है इस कंडक्टर की रेडियस को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड अब कैसे करेंगे, हेलो, एक्सपेंड करने का मतलब उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ACSR के स्ट्रैंड है इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन की लेयर भर देते हैं। इंसुलेशन की लेयर में आप पेपर भी भर सकते हैं, ठीक है, तो जनरली पेपर भरा जाता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, जो स्ट्रैंड है उनके बीच में जो है डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी तो
आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा या फिर रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ने से आप देखेंगे इंडक्टेंस कम हो जाएगा, इंडक्टेंस कम हो जाएगा तो रिएक्टेंस आपके कंडक्टर का कम हो जाएगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो पावर ज्यादा ट्रांसफर होने लगी तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मतलब ज्यादा पावर ट्रांसफर तो इफिशियंसी बढ़ रही है, इफिशियंसी बढ़ने का मतलब लॉसेज कम हो रहा है, लॉसेज कम होने का मतलब करोना पावर लॉस होने का चांस कम हो जाएगा क्योंकि रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो करोना पावर लॉस होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, और ज्यादा वोल्टेज लेवल पे होगा, जितना होना चाहिए उससे कम होगा, ठीक है। दूसरा स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम हो जाएगा, आप देखेंगे जितना ज्यादा फ्लक्स आपके स्ट्रैंड से लिंक करेगा उतना ज्यादा पोजीशन होगा, जितना ज्यादा पोजीशन उतना कम करंट पास करेगा सेंट आपका, तो आप देखेंगे अगर स्ट्रैंड से कम करंट पास करेगा तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रहा है जिसकी वजह से पावर लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि अगर वो है आपका फ्लक्स लिंकेज स्ट्रैंड से कम, अब फ्लक्स लिंकेज स्ट्रैंड से कम उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दो तो फ्लक्स लिंकेज पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा तो आप पोजीशन कम हो जाए तो ज्यादा करंट पास करेगा, उसी स्ट्रैंड से ज्यादा करंट पास कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर फ्लक्स लिंकेज कम है तो पोजीशन कम है, पोजीशन कम है तो एसी के लिए कंडक्टर रेजिस्टेंस कम ऑफर कर, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी तो करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो सेम कंडक्टर ज्यादा करंट को कैरी कर पाएगा और ज्यादा करंट को कैरी कर पाएगा तो ज्यादा पावर को ट्रांसफर भी कर पाएगा। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर जो कि हायर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, हेडिंग डाल लीजिए दैट इज एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर, ठीक है, दोनों का बना रहा हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं 6x1 एसीएसआर कंडक्टर का कॉन्फिगरेशन, जो कि कितना लेयर का एसीएसआर होगा, दिस इज ए वन लेयर एसीएसआर कंडक्टर, और यहां पर मैं 6x1 एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेंडेड एसीएसआर ये भी कितना लेयर होगा, दिस इज आल्सो वन लेयर एक्सपेंडेड कंडक्टर, ठीक है, चलो बना रहा हूं, इतना लिखे हो गया, चलो तो दैट इज वन लेयर का एसीएसआर कंडक्टर बना रहा हूं जिसमें से एक स्ट्रैंड बेटा स्टील का जो कि सेंट्रल वाला होगा और फर्स्ट लेयर में सारे सारे एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होंगे, ठीक है। नाउ यू कैन बी मेक ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एसीएसआर कंडक्टर और ये एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर हो,
ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट द, ये वाला स्टील का है बेटा, ये एल्यूमिनियम का है। नाउ दिस इज नथिंग बट द ये आपका ACSR कंडक्टर, ठीक है, 6x1 ACSR कंडक्टर। इसकी रेडियस के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर की रेडियस, दिस इज द रेडियस, जैसे द रेडियस इज आर वन, ACSR कंडक्टर की रेडियस है आर वन, और एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर की रेडियस मैंने बता रहा, ठीक है, और दिस इज द एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर, जिसमें से ये वाला स्टील का है और ये आपके 6 स्ट्रैंड एल्यूमिनियम के, सेंट्रल वाला स्टील का है और फर्स्ट लेयर में एल्यूमिनियम, बीच में बेटा आपके जो भरा हुआ है यहां पर ध्यान से देखिए, बीच पे दो स्ट्रैंड के बीच में यहां पर आपने क्या किया है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा है, पेपर लाइक, लाइक ए पेपर, यहां पर मैंने आपका इंसुलेटिंग मटेरियल भरा, ये दो स्ट्रैंड के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं, एक मिनट,
चलिए, दो स्ट्रैंड के बीच में यहां पर बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं। अभी एडवांटेज बता रहा हूं, क्या एडवांटेज होगा इसका, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? क्या स्क्रीन में किसी को कोई दिक्कत है? लिख के बताएं। यस सर, क्या हो गया स्क्रीन में? एक मिनट, नहीं दिख रहा है कुछ। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, अब प्रॉपर आ गई स्क्रीन। अब स्क्रीन प्रॉपर है। चलिए ठीक है, तो वॉइस तो आ रही थी ना आप लोग को, बताते क्यों नहीं हो बेटा? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे तुरंत एक्टिवेट कर दी। तो आप देखेंगे, मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं। That is 6x1 का ACSR configuration ये मैंने बनाया, ठीक है? और expanded ACSR conductor में दो strands के बीच में हम लोगों ने insulating material भर दिया। ये तो मैंने आपका pink color से बनाया है, ये insulating material बना है। This is the insulating material. This is insulating material. इस material के भरने से क्या advantage होगा? Like this. ये आपका expanded ACSR conductor है। दो स्ट्रैंड्स के बीच में, दो स्ट्रैंड के बीच में आपने यहां पर कौन सा मटेरियल भरा? इंसुलेटिंग मटेरियल भरा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका क्या है बेटा? इंसुलेटिंग मटेरियल। दिस इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे जूट वूट होता है, पेपर होता है, उसको भर देते हैं, ठीक है? आप देखिए, कई बार जब आप अपने कंडक्टर्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से पेपर निकलता है या फिर आपको जूट निकलता है, सेम थिंग विल बी देयर। कि दो स्ट्रैंड के बीच में मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया, उससे एडवांटेज क्या होगा? नाउ यू कैन बी सी लाइक रेडियस देखते हैं जरा, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर की रेडियस। रेडियस, दिस इज द रेडियस, एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर की रेडियस मैं मान रहा हूं R2। तो पहली चीज क्लियर होगी कि जो एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर है उसकी रेडियस आपके ACSR कंडक्टर से ज्यादा होगी। सेम कॉपर यूज किया, जितना कॉपर यहां पर यूज किया है सेम कॉपर यहां भी यूज किया गया है, स्ट्रैंड विल बी सेम, बट फॉर सेम कॉपर, सेम वैल्यू ऑफ द कॉपर, द रेडियस ऑफ दैट इज एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर इज हायर। लिख रहा हूं दैट इज R1 इज लेस देन R2, ठीक है? आपके
एसीएसआर कंडक्टर की रेडियस एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर की रेडियस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या होगा बेटा, किसका इंडक्टेंस कम होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका इंडक्टेंस कम होगा। एक्सपेंडेड की बेटा एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर की रेडियस ज्यादा तो इसका इंडक्टेंस कम होगा और एसीएसआर कंडक्टर का इंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई टू पाई एल एन डी बाई 0.7788 आर। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, जिसकी बेटा रेडियस ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका इंडक्टेंस कम होगा, और बेटा जिसका बेटा रेडियस कम होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो बेटा किसकी रेडियस कम है, किसकी रेडियस कम है, ये बना लो पहले तुम लोग। अगर स्क्रीन में कोई इशू आता है तो मुझे तुरंत बताया करें बेटा। बना लिया, फोन कर दिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है। हाँ, इसमें भी मैसेज कर सकते हैं। तो यहां पर पहली चीज क्लियर होनी चाहिए दैट इंडक्टेंस ऑफ द एसीएसआर कंडक्टर इज एल वन इज ग्रेटर देन इंडक्टेंस ऑफ एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर। एक्सपेंडेड एसीएसआर का इंडक्टेंस मैंने एल टू माना है, जो कि क्या होगा, कम होगा, और बेटा एसीएसआर कंडक्टर का इंडक्टेंस ज्यादा होगा बिकॉज उसकी रेडियस कम है। और बेटा जिसकी रेडियस कम होगी उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा। जिसका बेटा इंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल टू होता है 2πf(L). ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका बेटा इंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, जिसका इंडक्टेंस कम होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। तो आप देखेंगे एसीएसआर कंडक्टर का इंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा और एक्सपेंडेड एसीएसआर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी पीआर, दैट इज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, दैट इज एक्टिव पावर ट्रांसफर, पी इज इक्वल टू होता है वीएस वीआर डिवाइडेड बाय एक्स साइन डेल्टा। जिस कंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगी, जिस कंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटा एसीएसआर कंडक्टर का, एसीएसआर कंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम होगी। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ दैट इज एसीएसआर कंडक्टर इज लेस देन द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर। एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी पी टू जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये लिखे हुए रिलेशन, ठीक, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ एसीएसआर कंडक्टर विल बी लेस एज कंपेयर टू एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। दो रीजन से ज्यादा होगी, बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पावर जितनी ज्यादा ट्रांसफर कर पाएगा तो लॉसेज उतना कम होंगे। लॉसेज कैसे कम हुए ये देखते हैं। लॉसेज मतलब दो लॉस होते हैं जनरली कंडक्टर में, कोरोना पावर लॉस और दूसरा स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी। स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है जिसकी वजह से लॉसेज ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम कंडक्टिविटी, जितना कम कंडक्टिविटी करंट कैरिंग कैपेसिटी, लेस करंट कैरी करेगा तो आपका लेस ही पावर ट्रांसफर हो पाएगी। ठीक है,
इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, हो गया मैसेज कर रहे हैं, अगर हो गया यहां आइए ध्यान से देखिएगा। जरा बात करते हैं, देखो रेडियस इसकी ज्यादा, रेडियस ज्यादा है तो बेटा जब सेम वोल्टेज लेवल पे बात करेंगे तो एक्सपेंडेड एसीएसआर के कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो यहां पर आयनाइजेशन होने का चांस कम होगा, तो कोरोना फॉर्मेशन का चांस कम होगा, तो कोरोना पावर लॉस कम होगा। लेकिन यहां पर रेडियस कम है तो बेटा कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो बेटा कोरोना पावर लॉस जल्दी फॉर्मेशन होगा, फिर आयनाइजेशन जल्दी होगा, कोरोना फॉर्मेशन इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे जब मैं करंट पास करूंगा, जब करंट पास करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर रेडियस कम है। जैसे मान लो इस कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, इस कंडक्टर के बारे में कि इसमें फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा। आप देखेंगे जब करंट आपका फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी वजह से इससे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। डिस्टेंस कम है तो ज्यादा फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा। यहां पर दो स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस कम है बेटा, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इस करंट, इसके आपके इस स्ट्रैंड में जब करंट फ्लो करेगा तो इसका जो फ्लक्स होगा वो आपके इससे क्या करेगा, लिंक करेगा। डिस्टेंस कम है तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, डिस्टेंस कम है ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, डिस्टेंस कम है ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, डिस्टेंस कम है ज्यादा फ्लक्स, डिस्टेंस कम है ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। फ्लक्स लिंकेज यहां पर इस स्ट्रैंड से ज्यादा होती है, आप पोजीशन जब करंट इसे पास करते हो पोजीशन ज्यादा होगा, पोजीशन ज्यादा होगा तो जितना आपने सरफेस दिया उसमें से आप पोजीशन ज्यादा होगा तो उतना ही आपके स्ट्रैंड्स के आउटर पार्ट से क्या करेगा, करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। आउटर पार्ट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम यूज करेगा, कम यूज करेगा तो ये स्ट्रैंड ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस स्ट्रैंड और स्ट्रैंड के बीच में आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर इसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा फ्लक्स लिंकेज कम होगा, फ्लक्स लिंकेज कम होगा, फ्लक्स लिंकेज। तो इस स्ट्रैंड की वजह से आप देखेंगे और इस स्टैंड में, यहां पर इस स्टैंड में फ्लक्स लिंकेज आपका क्या है, कम है। फ्लक्स लिंकेज कम है तो करंट के लिए अपोजिशन कम होगा, करंट के लिए पोजीशन कम होगा तो इस स्टैंड से ज्यादा करंट क्या कर पाएगा, पास कर पाएगा। मतलब ज्यादा करंट पास करने का मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल दिया है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यूज करेगा, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करेगा तो ज्यादा करंट पास कर पाएगा और यहाँ पर कम क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम ही करंट पास कर पाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा करंट पास करेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा, लॉसेज भी कम होने वाले हैं। ठीक है, तो सेम थिंग विल बी देयर कि स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना हर एक स्ट्रैंड से फ्लक्स लिंकेज कम होता चला जाएगा। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं एडवांटेज, लिखिए एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट बेटा। देखो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होंगे, ठीक है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक में लॉसेज होंगे लेकिन डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इज नॉट ए वेरी हाई। ठीक है डाइलेक्ट्रिक लॉसेज है बट दैट लॉसेज इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, कंडक्टर में आपका ये बताओ डाइलेक्ट्रिक लॉस हीटिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस ही कम है तो हीट ही कम आपकी एब्जॉर्ब आपकी डिसिपेट होगी तो डाइलेक्ट्रिक जो है लॉसेज भी कम होते हैं, उनको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, दैट इज नॉट ए सीरियस इशू डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। ठीक है, तो लिखेंगे द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडेड ACSR conductor is more than the ACSR conductor। ठीक है, पहला तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपके एक्सपेंडेड ACSR conductor की ज्यादा होती है, दूसरा एक्सपेंडेड ACSR conductor में आपका हर एक स्ट्रैंड से के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है तो फ्लक्स लिंकेज कम होता है, तो पोजीशन कम होता है, स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है। स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होने की वजह से जब एसी करंट पास करे तो हर एक स्ट्रैंड कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हर एक स्ट्रैंड की बढ़ जाएगी, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी हर एक स्ट्रैंड ज्यादा करंट कैरी करे तो ओवरऑल कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं
द स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी proximity effect are less in the expanded ACSR conductor as compared to the ACSR conductor, as compared to the ACSR conductor, so that due to less skin and proximity effect. स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अगर कम होगा तो आपका एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एसी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा उतना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा, तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो ड्यू टू द लेस स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, जब आप एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर से आप करंट को पास करेंगे तो आपका एसी के लिए रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा। एसी के लिए अगर रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा तो बेटा रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा होगी, दैट इज ए करंट कैरिंग कैपेसिटी एसी करंट उससे ज्यादा फ्लो कर पाएगा, ये मैं बता चुका हूं। और अगर बेटा करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा एक्सपेंडेड एसीएसआर में हर एक स्टैंड से, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी आपके एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। Therefore, the current carrying capacity, the current carrying capacity of expanded ACSR conductor is more than the ACSR conductor. ठीक है, तीसरा बात करेंगे expanded ACSR conductor का रेजिस्टेंस, दैट इज रेडियस ज्यादा होती है तो आपके कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो कोरोना पावर लॉस कम होगा। ड्यू टू हाई रेडियस ऑफ एक्सपेंडेड एसीएसआर कंडक्टर, due to the high radius of expanded ACSR conductor, the electric field intensity on the surface of the conductor, on the surface of the conductor is less, so that chance of corona formation on the expanded ACSR conductor
इज लेस एज कंपेयर टू द ACSR conductor. Therefore, अगर कोरोना फॉर्मेशन का चांस कम है, therefore, कोरोना पावर लॉस इन द एक्सपेंडेड ACSR conductor इज लेस, लेस और लो लिख सकते हैं, और लो. और एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पे यूज किए जाते हैं. जितना ज्यादा वोल्टेज लेवल होगा उतना ज्यादा कोरोना का फॉर्मेशन होने का चांस ज्यादा है. इसलिए ACSR की जगह हम लोग एक्सपेंडेड ACSR यूज करेंगे क्योंकि वहां पर कोरोना फॉर्मेशन होने का चांस कम है. चल एप्लीकेशन डाल लीजिए. एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर. ठीक है, लिखिए एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर आर यूज्ड in extra high voltage level transmission line. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल की जो लाइन होती है दैट इज 400 kVA जो कि मेरी कौन सी लाइन होती है, EHV लाइन. EHV का मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज. तो इस तरह से जनरल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है. अब मटेरियल के हिसाब से क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, चलो
क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ कंडक्टर बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड इन द पावर कंडक्टर. पावर कंडक्टर को बनाने की जो मटेरियल यूज करते हैं उसके बेस्ड पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. दो टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, या तो कॉपर यूज करेंगे या फिर एल्यूमिनियम यूज करेंगे. तो हमारे मटेरियल के बेस्ड पे दो टाइप के कंडक्टर होते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल. दैट इज कॉपर बेस्ड कॉपर मटेरियल बेस्ड कंडक्टर और एक हो जाएगा एल्यूमिनियम बेस्ड एल्यूमिनियम मटेरियल बेस्ड कंडक्टर. ठीक है, कॉपर पे बेस्ड पे जनरली तीन टाइप के कंडक्टर होते हैं. एक होता है हार्ड रॉन, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर. दूसरा आपके पास स्टील कोर कॉपर कंडक्टर. तीसरा आपके पास होगा कैडमियम कॉपर सीयू लिख देते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम के बेस्ड पे कई सारे कंडक्टर होते हैं बेस्ड ऑन द एल्यूमिनियम. एक होगा आपके पास डबल ए सी, दैट इज ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर. दूसरा आपके पास होगा ए सी एस आर कंडक्टर, दैट इज ऑल दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. एक होगा आपके पास ट्रिपल ए सी, दैट इज ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर. एक होगा एक्सपेंडेड ए सी एस आर कंडक्टर, एक्सपेंडेड ए सी एस आर कंडक्टर. नेक्स्ट आपके पास होगा दैट इज ए सी ए आर, ए सी ए आर दैट इज एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रिइंफोर्स. एलॉय एलॉय एल्यूमिनियम के एलॉय यूज करते हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होगा स्मूथ बॉडी, स्मूथ बॉडी एसीएसआर कंडक्टर. दैट इज नेक्स्ट होगा गैल्वनाइज्ड स्टील कंडक्टर. अब ये अलग हो गए, एल्यूमिनियम में यही होता है. नेक्स्ट गैल्वनाइज्ड स्टील कंडक्टर और लास्ट में आपके पास होगा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर. चलिए
तो कॉपर के कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। हो गया चलिए यहां पर ये ट्रिपल एसी है, ये ट्रिपल एसी है, ट्रिपल एसी ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालें, पहले हेडिंग दैट इज कॉपर कंडक्टर, हेडिंग डाल लीजिए। कॉपर बेस्ड, कॉपर बेस्ड, कॉपर मटेरियल बेस्ड, कॉपर मटेरियल बेस्ड कंडक्टर, इसमें से पहला कंडक्टर है आपके पास, हेडिंग डालें हार्ड रॉन, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूं कि डेट इज ए हार्ड ड्रॉन का मतलब क्या होता है। हार्ड ड्रॉन का मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है हार्ड ड्रॉन का मतलब होता है, हार्ड ड्रॉन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं कि अपने कॉपर के जो वायर होता है, कॉपर के वायर को सीरीज ऑफ डाई से क्या करते हैं, पास करते हैं डिजायर्ड डायमीटर, ठीक है। डिजायर डायमीटर, अगर आपको कॉपर के कंडक्टर का डिजायर डायमीटर चाहिए तो उस डिजायर डायमीटर के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर के कंडक्टर को सीरीज ऑफ डाई से क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ डाई से जब पास करते जाएंगे तो आप देखेंगे जो डाई होती है, डाई का जो है जो स्टार्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा और जैसे जैसे डाई के एंड की तरफ जाएंगे तो आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पतला सा कॉपर का कंडक्टर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको सीरीज ऑफ डाई से पास कर, जैसे जैसे आपका कॉपर सीरीज ऑफ डाई से पास करता जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो बेटा हार्ड ड्रॉन का मतलब होता है, हार्ड ड्रॉन का मतलब होता है द टर्म हार्ड ड्रॉन सिंपली मीन्स दैट द कॉपर हैज टू बी ड्रॉन थ्रू द डाई टू ए डिजायर्ड डायमीटर। डिजायर्ड डायमीटर के लिए जब हम कॉपर को सीरीज ऑफ डाई से पास करते हैं तो ये जो प्रोसेस है सीरीज ऑफ डाई से पास करना डिजायर्ड डायमीटर को अचीव करने के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द हार्ड रॉन। हार्ड रॉन जब भी जो है, जो हार्ड रॉन कॉपर होता है वो सिंपली एक कॉपर वायर होता है। हार्ड रॉन कॉपर जो होता है, हार्ड रॉन कॉपर कंडक्टर सिंपली कॉपर का ही कंडक्टर होता है, लेकिन इसका साइज क्या होता है, कम होता है। और साइज को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं सीरीज ऑफ डाई से, ठीक है। और सीरीज ऑफ डाई से, जब कॉपर के वायर को सीरीज ऑफ डाई से पुल किया जाएगा उसके साइज को कम करने के लिए, तो जो कॉपर का कंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड हार्ड ड्रॉन
कॉपर, ठीक है। हार्ड रॉन का मतलब है सीरीज ऑफ डाई से पास करना साइज को रिड्यूस करने की, और किस कंडक्टर की साइज को रिड्यूस करें, कॉपर का। तो अगर सीरीज ऑफ डाई से मैं पास करूंगा कंडक्टर की साइज को कम करने, तो हार्ड रॉन, और कैसा कंडक्टर मैं पास करूं, कॉपर को, तो दैट कंडक्टर इज नोन एज ए हार्ड रॉन कॉपर, ठीक है। अभी बताओ जब आपका कंडक्टर कॉपर का कंडक्टर डाई से पास करता जाए तो साइज क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। अगर आपके कंडक्टर का साइज कम होता जाएगा तो उसकी टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे तो जो एटम होंगे वो पास पास आ जाएंगे। जैसे इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, पहले मैं वेट लिफ्टिंग करता था तो बेल्ट नहीं पहनता था, तो मैं 50 से 60 केजी वेट उठा पाता था। उसके बाद आप देखेंगे कि अब जनरली जो है मैं बेल्ट पहनता हूं, बेल्ट जब मैं अपने पेट में बेल्ट पहनता हूं तो मेरी जो पेट की मांसपेशियां वो पास पास आ जाती है, ठीक है। पेट की मांसपेशियां जब आपकी पास पास आ जाएंगी तो आपको ज्यादा पावर मिलेगी, ठीक है, और ज्यादा पावर मिलेगी तो आप वेट ज्यादा उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मांसपेशियां जब वो पास पास आ जाएंगी तो उनको वर्क करने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो आपको पावर जो है ज्यादा पावर को देने में यूज होगी, जो शरीर आपको एनर्जी देगा। अगर हमारी मांसपेशियां ढीली होगी तो वो ज्यादा पावर यूज करेंगी, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगी ज्यादा, तो आप जो है पावर को जो है वेट लिफ्टिंग को उठाने के लिए आपको कम पावर मिलेगी तो आप कम वेट को उठा पाएंगे। उसी तरह जो है क्या होता है, जब कॉपर के कंडक्टर को जब मैं सीरीज ऑफ डाई से पास करूंगा तो उसका साइज कम होता जाएगा, तो उसके एटम पास पास आते जाएंगे, और एटम जितने ज्यादा नजदीक हो जाएंगे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप देखेंगे जैसे एक मछली का, जैसे एक मंझा होता है, मंझा होता है, जब आप पतंग उड़ाते हैं, क्या हुआ, स्क्रीन सही नहीं आ रही, क्या स्क्रीन सही आ रही है ना, तो आप देखेंगे कि मंझा जो होता है वो पतला होता है, वही सद्दी जो होती है जिसे पतंग उड़ाते हैं व्हाइट कलर का, वो आपकी मोटी होती है। तो अगर मैं बात करूं कौन ज्यादा मजबूत होती है, तो मंझा देखेंगे, मंझे को जब घसीटेंगे तो बहुत देर में टूटता है, वही आप जो है सफेद वाला जो धागा होता है उसको घसीटेंगे तो जल्दी टूट जाता है, या फिर जो अच्छा वाला सफेद धागा होता है उसकी विफ्ट कम होती है, ठीक है। तो जनरली जैसे जैसे आपकी थिकनेस क्या होगा, मंझा और सद्दी दो चीज होती है जिसको सफेद धागा भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सफेद धागा को घसीटेंगे जल्दी टूट जाता है, मंझे को घसीटेंगे तो बहुत देर में टूटता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हार्ड ड्रॉइंग करने से आपके कॉपर के कंडक्टर के डायामीटर को कम करने से उसकी जो है टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। द कॉपर हैज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन द हार्ड ड्रॉन प्रोसेस विल बी डन ऑन द कॉपर मटेरियल, ठीक है। और हार्ड ड्रॉन करने से जो कॉपर है वो आपका 150% उसकी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलो तो इतना चीज लिख लेते हैं, इस चीज को मैं आपको पहले समझा देता हूं, ठीक है। चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे इस चीज को पहले मैं फिगर बना देता हूं। हार्ड रॉन कॉपर का मतलब होता है जब आप कॉपर के कंडक्टर को क्या करने वाले हैं, उसके साइज को कम करने के लिए सीरीज ऑफ डाई से पास करते हैं, जो कंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड हार्ड रॉन कॉपर, ठीक है। पहले मैं डाई बना रहा हूं, डाई जो होती है, ठीक है, डाई का इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा और आपका जो आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो छोटा होगा, दिस इज द सीरीज ऑफ डाई। कई सारी डाई एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ डाई, बना रहा हूं। ये एक डाई है, ये डाई नंबर वन है, ठीक है। डाई का इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम, ठीक है। इसके आगे एक और डाई लगी हुई है,
ठीक है, दिस इज डाई वन, ये डाई नंबर टू, ठीक है, ये दो डाई हैं, दो डाई, ठीक है, दीज आर द टू डाई। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास डाई है जो कि सीरीज में लगी है, दो डाई है इनको सीरीज में लगा दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसे कॉपर का कंडक्टर पास करो, ध्यान से देखिएगा, कॉपर का कंडक्टर पास करो, ये मेरे पास कॉपर का कंडक्टर है, इस कॉपर के कंडक्टर के साइज को आप कम करना चाहते हैं, दिस इज अनड्रॉन कॉपर वायर, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड अनड्रॉन, अनड्रॉन कॉपर वायर, मतलब ये जो सिंपली एक कॉपर वायर है, ये सिंपली कॉपर वायर है। अब इस कॉपर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को मुझे कम करना है, क्यों कम करना चाहता हूं, क्योंकि जितना पतला कॉपर वायर होगा उसकी मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि जब पतला करेंगे इसको तो इसके एटम्स ज्यादा पास पास रह जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलो, किसी भी चीज को पतला कर देंगे तो उसको अब उससे ज्यादा नहीं खींच सकते, टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी मोर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैंने इस कॉपर वायर को इस सीरीज ऑफ डाई से पास किया, जब इस सीरीज ऑफ डाई से पास करेंगे तो आप देखेंगे धीमे धीमे, जब ये जो कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर, ये जो कॉपर का कंडक्टर है डाई से पास होगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लगेगा, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को भेजते हैं तो जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, ठीक है। भेजना, जैसे जैसे मैं इसको भेजूंगा ये आगे जाता जाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया धीमे धीमे कम होता जाएगा, जैसे जैसे कॉपर का कंडक्टर आगे की तरफ जाता जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए इतना मुझे इसका एरिया चाहिए, नाउ दिस इज द रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। नाउ दिस इज, इस साइड की तरफ ये मूव करा, मूवमेंट ऑफ द, यहां लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ द कॉपर कंडक्टर लाइक दिस, दिस इज द मूवमेंट ऑफ कॉपर कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉपर कंडक्टर, इस डायरेक्शन में कॉपर का कंडक्टर मूव कर रहा है, दिस इज द मूवमेंट, ठीक है। और जब इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा इन डाई के सहारे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा, और थोड़ी देर बाद जितना आपको चाहिए उतना आपका इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बेटा कम होने के बाद कॉपर का कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम हो जाएगा तो ये जो कॉपर का कंडक्टर मिलेगा, इस कॉपर के कंडक्टर को बोलते हैं, दिस कॉपर कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड हार्ड ड्रॉन, ड्रॉन कॉपर वायर, दिस इज नथिंग बट ए हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर, दिस इज सीरीज ऑफ डाई, दिस इज ए सीरीज ऑफ डाई, ठीक है, दिस इज द सीरीज ऑफ डाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ मान सकते हैं पेंसिल को छीलने जैसा काम है, ठीक है, लेकिन डाई के सहारे हम इसका एरिया कम करते हैं, डाई के सहारे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं,
हार ड्रॉन से क्या मतलब है, हार ड्रॉन कॉपर का वायर है लेकिन क्या किया गया, उसके साइज को रिड्यूस किया गया है। कॉपर के वायर के साइज को रिड्यूस करना किसके सारे, डाई के सारे, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए हार्ड रॉन। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है हार्ड रॉन कॉपर वायर। आपने कॉपर के वायर के साइज को कम किया है डिजायर्ड मैनर तक कर लिया, जितना चाहिए पतला उतना पतला किया है, लेकिन सीरीज ऑफ डाई के सहारे, सीरीज ऑफ डाई के सहारे कॉपर के वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब कम करते हो दैट इज कॉल्ड हार्ड रॉन कॉपर। इसके एडवांटेज होता है कि जितना पतला करते जाएंगे उतना उसकी मैकेनिकल या फिर टेंथाइल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और लगभग इसकी जो है जो टेंथाइल स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल अनड्रॉन वाले से 150 गुना होती है, मतलब डेढ़ गुना। अगर ये 100 केजी वेट झेल सकता है तो ये 150 केजी वेट झेल सकता है, उसके मुकाबले इसकी टेंथाइल स्ट्रेंथ 150% ज्यादा होती है, 150%। लिख रहा हूं, बना लिया चलो लिखे the term hard drawn simply means that the copper wire has been drawn through the die to a desired diameter, जितना आपको चाहिए। आप जब जो है सीरीज ऑफ डाई के थ्रू जब कॉपर को खींचते हैं, ड्रॉन मींस निकालते हैं, हेलो, कॉपर के वायर को जब जो है खींचा जाता है किसके थ्रू, डाई के द्वारा खींचा जाए, ड्रॉन मींस होता है खींचना, ठीक है, हार्ड ड्रॉन खींचा जाता है क्या चीज करने के लिए, कॉपर के वायर को जब सीरीज ऑफ डाई के थ्रू खींचा जाता है उसमें हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, so that type of copper is known as, that type of wire is known as a hard drawn copper wire, ठीक है, so the term hard drawn, ठीक है, drawing कर रहे हैं मतलब हम खींच रहे हैं, किसके थ्रू खींच रहे हैं, डाई के थ्रू खींच रहे हैं, क्या चीज करने की, हार्डनेस को बढ़ाने की। the term hard drawn is simply means that the copper wire has been drawn through the die to the desired diameter तक आपके कॉपर वायर को खींचना किसके थ्रू, डाई के थ्रू, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज एंड दैट टर्म इज नोन एज ए हार्ड ड्रॉन। ठीक है, लिख रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, hard drawn copper wire is simply a copper wire। कैसा वायर है, कॉपर का ही वायर है, कॉपर वायर दैट हैज बीन
that has been reduced, reduced in size, that has been reduced in size by pulling, pulling means khichna, if you're drawing, pulling it through a series of die. सीरीज ऑफ डाई, ठीक है, आपके वायर को सीरीज ऑफ डाई के थ्रू खींचना ही क्या कहलाता है, हार्ड ऑन, ठीक, बाय पुलिंग इट थ्रू सीरीज ऑफ डाई, दिस प्रोसेस पुलिंग ऑफ कॉपर वायर थ्रू डाइज इज नोन एज ए हार्ड ऑन, ड्रॉइंग ड्रॉइंग, pulling it through series of die, this आपके कॉपर के वायर को डाई के थ्रू पुल करना ही कौन सा प्रोसेस है, ड्रॉइंग प्रोसेस है, ड्रॉइंग पुल करना वायर को सीरीज ऑफ डाई से कहलाता है, यहां पर लिख रहा हूं सीरीज ऑफ डाई, दिस प्रोसेस, this process of pulling is known as drawing, likho jab hum copper ko डाई के सारे पुल करते हैं तो जो कॉपर होता है उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और तब वो कॉपर वायर कहलाता है हार्ड ऑन प्रोसेस, हार्ड ऑन कॉपर, द कॉपर वायर becomes more harder and stronger when it is drawn, when जब उसको drawn किया जाता है, drawn मैंने लिखा दिया, drawn का मतलब क्या है, drawing का मतलब क्या है, उसको pull करना die के सारे drawn, the copper wire become more harder and stronger when it is drawn, therefore jab hum copper ko drawn karte hain to usme hardness aur strongness badh jati hai aur ab us copper wire ko bolte hain hard drawn copper wire, and this copper wire is known as hard drawn copper wire. copper में जब hard drawn जो copper wire होता है वो कम से कम 150% more tensile strength होती है सॉफ्ट कॉपर से, सॉफ्ट कॉपर लिखे, हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर हैज एट लीस्ट 150% More tensile strength than the soft copper wire. Soft
कॉपर वायर, सॉफ्ट कॉपर वायर को एनील्ड कॉपर भी बोलते हैं, एनील्ड कॉपर वायर। एनील्ड कॉपर वायर। अब एनील, एनीली मीन्स क्या होता है और एनील्ड कॉपर वायर क्या होता है? ठीक है, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया एनील, एनील्ड, एनील्ड। तो एनीलिंग एक प्रोसेस होता है, एनीलिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जनरली जो कॉपर होता है वो आपका हार्ड होता है। ठीक है, कॉपर के वायर में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, और हीट करते हैं उसके रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, तो जो कॉपर बनता है या फिर जो कॉपर वायर होता है दैट इज एनील्ड कॉपर। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालें, दैट इज एनीलिंग, एनीलिंग। एनीलिंग, तो पहले सुनिए एनीलिंग क्या है। चलो ठीक है, एनील्ड कॉपर वायर से क्या मतलब है? एनील्ड कॉपर वायर में, एनील्ड जो प्रोसेस होता है कॉपर वायर में, जब हम एनीलिंग प्रोसेस कर देते हैं तो जो कॉपर वायर बनता है दैट इज कॉल्ड एनील्ड कॉपर वायर। तो एनीलिंग मींस क्या होता है? एनीलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। एनीलिंग मींस क्या होता है? आपके कॉपर के वायर को आपको हीट करना है। एनीलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, अभी भूख लग गई है, थोड़ा सा वेट करिए, 5 से 10 मिनट। ठीक है, एनीलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेस। ठीक है, जनरली जो कॉपर का वायर होता है वो आपका हार्ड होता है। ठीक है, कॉपर का जो वायर होता है वो हार्ड होता है। कॉपर के वायर के में अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी हार्डनेस को कम करना है तो हम उसको हीट करते हैं, और उस हीट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनीलिंग। तो कॉपर के वायर में, चूंकि जनरली जो कॉपर का वायर होता है, जनरल जो कॉपर का वायर होता है उसकी हार्डनेस अच्छी खासी होती है, उसकी हार्डनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हार्ड ड्रॉइंग करते हैं। ठीक है, कॉपर का वायर जनरली हार्ड होता है, अगर उसको और हार्ड करना है, उसकी टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है तो हम हार्ड ड्रॉइंग करेंगे। तो जनरली देखा जाता है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर का जो वायर है वो हार्ड होता है, कॉपर के वायर को मुझे फ्लेक्सिबल और क्या करना है, फ्लेक्सिबल के साथ साथ अगर उसमें हार्डनेस को कम करना है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? एनीलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। एनीलिंग प्रोसेस करने का, कॉपर के वायर में एनीलिंग प्रोसेस करने के बाद जो कॉपर का वायर बनता है दैट इज कॉल्ड एनील्ड कॉपर वायर, जिसको हम सॉफ्ट कॉपर वायर भी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपर, सॉफ्ट कॉपर का मतलब इसमें क्या होगा? ये सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा मतलब इसमें हार्डनेस कम होगी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, दैट इज मैंने बोला कि एनीलिंग प्रोसेस इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस that change the physical property, that change the physical properties of the material to reduce या फिर to increase the flexibility and the reduce the hardness। ठीक है, अब annealing process क्या होती है? ठीक है, annealing means होता है कि आपको heat treatment process करना है। heat treatment process किस temperature तक करते हैं? मैं लिख रहा हूं, जो annealing होती है, annealing होती है, annealing, एनीलिंग में जो है हम मटेरियल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं उसके रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर। रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जब आप अपने मटेरियल को हीट अप कर देंगे तो उसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें हार्डनेस कम हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, रीक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मतलब जो आपका जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी और उसमें क्या हो जाएगी? थोड़ा सा लचकपन आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और हार्डनेस कम हो जाएगी। दैट इज नथिंग बट द एनीलिंग। ठीक है, चलो तो मैं यहां लिख देता हूं।
लिखे एनिलिंग में लिखे एनिलिंग एनिलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मीन्स होता है ये प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट गर्म करने का एनिलिंग इनेमिल से डिफरेंट है इनेमिल अलग होता है इनेमिल पेंट्स आता है ठीक है इनेमिल पेंट्स वो चीज होती है इंसुलेटिंग मटेरियल ये होती है हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वैसे भी कॉपर का वायर हार्ड होता है उसमें हम और अगर हार्ड होगा तो फ्लेक्सिबिल कम होगा फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो अगर मैं कॉपर वायर को फ्लेक्सिबल सॉफ्ट करना चाहता हूं तो मुझे उसको हीटअप करना पड़ेगा ठीक है द एनिलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा चेंज करेगा ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा कम जब तक जो है आप सॉफ्टनेस करना चाहते हो तो फिजिकली चेंज होना चाहिए आप उसको हीट करें लेकिन ऐसे हीट करें कि आपका जो है उसके फिजिकली चेंज आ जाए क्रिस्टल में चेंज आए तभी वो फ्लेक्सिबल हो पाएगा और उसमें हार्डनेस कम हो पाएगी तो लिखा है बेटा एनिलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंज इतना टेम्परेचर तक करना है कि उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो थोड़ा सा फिजिकली जैसा अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चाहिए ठीक है That change, physical property, electrical property change नहीं होनी चाहिए हेलो annealing में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है फिजिकल फिजिकल मतलब जो फिजिक जैसे आप देखेंगे फिजिकली चेंज होता है मतलब मेरे शरीर की बनावट जो मेरी शरीर की बनावट है वो जो बनावट है जैसे आप देखेंगे जब हम जिम करते हैं तो आपकी फिजिकली चीजें चेंज होती है जैसे आपके बाइसेप्स आ जाते हैं फैट कम हो जाता है फिजिकली लेकिन इंटरनली मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए माइंडली आपकी प्रॉपर्टी फिजिकली चेंज होना चाहिए जो आपका चीज दिखती है कंडक्टर में उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना चाहिए क्रिस्टल आपके रीअरेंज हो सकते हैं दूर दूर हो सकते हैं ठीक है जितने पास पास होंगे उतना जो है क्या हो जाएगा उतना हार्ड होता जाएगा और जब मैं उसको गर्म करूंगा गर्म करने में इतना गर्म करते हैं ये एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें से क्रिस्टल जो होंगे वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे फिजिकली थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा और फिजिकल चेंजमेंट आने से हार्डनेस और आपकी दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी चलो एनिलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू इंक्रीज फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेगा टू इंक्रीज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देती है एनिलिंग एंड रिड्यूस इट्स हार्डनेस तो कभी कोई पूछे कि एनिलिंग प्रोसेस क्या होता है एनिलिंग प्रोसेस एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे आपके मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है इस प्रोसेस को करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हार्डनेस मटेरियल की घटती है दो चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और हार्डनेस कम हो जाएगी और बेटा अगर हार्डनेस कम हो जाएगा कॉपर में जब हम एनिलिंग हेलो एनील्ड कॉपर वायर का मतलब कॉपर में जब हम जो है एनिलिंग प्रोसेस करेंगे तो कॉपर की हार्डनेस कम हो जाएगी तो उस कॉपर को हम बोलते हैं एनील्ड कॉपर वायर या फिर सॉफ्ट कॉपर वायर सॉफ्ट कॉपर वायर आपके कॉपर वायर ही है कॉपर वायर को हीटअप करना और इतने कितने टेम्परेचर तक रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक जिससे कि उसकी हार्डनेस कम हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तब जो कॉपर होगा दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपर वायर ठीक है
लिख रहा हूं, इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे लिखे। अब एनीलिंग जो होता है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितने टेम्परेचर तक हीट किया जाता है? लेकिन बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, हार्ड तो हो जाता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हार्डनेस उतनी नहीं रह जाती जितनी पहले थी। ठीक है, यहां लिख रहा हूं। अब जो है मैंने लिखा कि एनीलिंग का मतलब बता दें, एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेगा जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हार्डनेस कम होगी। अब एनीलिंग ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में कितने टेम्परेचर तक करते हैं उसको मैं लिखा रहा हूं। लिखिए एनीलिंग एनीलिंग में क्या इन्वॉल्व होती है, क्या इन्वॉल्व होती है, क्या चीज होती है? इन्वॉल्व हीटिंग एनीलिंग इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ मटेरियल। एनीलिंग के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व थी? हीटिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को हीटअप करते हैं। एबव इट्स री क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाए, रीक्रिस्टलाइज, मतलब अपने जो है जो क्रिस्टल है वो अपनी जगह को छोड़ के रीअरेंज हो जाए, मतलब दूर दूर चले, क्रिस्टल दूर दूर चले, इतना टेम्परेचर होता है एनीलिंग में। एनीलिंग में हम हीटिंग करते हैं मटेरियल का और इतने टेम्परेचर पे हीटअप करते हैं कि जो कॉपर के एटम है वो रीक्रिस्टल, मतलब रीपोजिशन मतलब अपनी पोजिशन से दूर जाके एक नया स्ट्रक्चर बना ले, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इन ऑर्डर टू और रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हम हीटअप करते हैं जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हार्डनेस कम हो जाती है। इन ऑर्डर टू मेक द मटेरियल मोर फ्लेक्सिबल एंड less harder, कम harder हो जाए और ज्यादा flexible हो जाए। अच्छा ये बताओ, जो hard drawn copper wire होता है क्या उसमें heating process होता है क्या? हार्ड ऑन कॉपर कैसे बनाते हैं? हार्ड ऑन कॉपर कैसे, उसको केवल डाई के सारे खींच देना, हार्ड ऑन बन जाएगा। क्या वहां पर कोई हीटिंग करते हैं क्या? हीटिंग नहीं करते हैं वहां, कोई हीटिंग नहीं करता है, हीटिंग नहीं करते, हीटिंग प्रोसेस जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां एनीलिंग प्रोसेस होगा। तो इसलिए हार्ड ऑन कॉपर को बोला जाता है हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर इज ए कॉपर वायर That is non-annealed। इसमें कोई हीटिंग नहीं होती। जब हम ड्रॉइंग करते हैं कॉपर वायर की तो उसमें कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं करते। That is non-annealed। नॉन एनील्ड आफ्टर द ड्रॉइंग प्रोसेस
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम जो है हार्ड ऑन कॉपर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को डाई के सहारे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम उसको हीट नहीं करते, नॉन एनियल होता है, हीट नहीं करते हैं, ठीक है। हीट कर देंगे तो उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, तो सॉफ्ट कॉपर वायर हो जाएगा। तो यहां मैंने लिखा कि हार्ड ऑन कॉपर वायर, ये कॉपर वायर दैट इज नॉन एनियल, उसको गर्म नहीं किया जाता आफ्टर द ड्रॉइंग प्रोसेस, ड्रॉइंग प्रोसेस के बाद उसको कोई भी एनीलिंग नहीं की जाती। ऐसा जो कॉपर डाई के बाद खींचने के बाद, डाई से खींचने के बाद उसका एरिया कम हो जाएगा, हार्डनेस बढ़ेगा, उसके बाद हम उसको कुछ गर्म वरम नहीं करेंगे, दैट टाइप ऑफ कॉपर वायर इज नोन एज हार्ड ऑन कॉपर वायर। इसलिए हार्ड ऑन कॉपर वायर इज आल्सो नोन एज नॉन एनील्ड कॉपर वायर, नॉन एनील्ड कॉपर वायर इज आल्सो दैट इज नॉन एनील्ड कॉपर वायर इज नथिंग बट ए हार्ड ऑन कॉपर वायर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, जब हम जो है क्या करते हैं अपने कॉपर वायर में को हार्ड ऑन करते हैं, कॉपर वायर को क्या करते हैं, हार्ड ऑन करते हैं, जब भी कॉपर वायर हार्ड ऑन किया जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, कॉपर को मैंने हार्ड ऑन किया मतलब डाई के सहारे खींचा तो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि करंट आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है आपका क्रॉप, दैट इज जैसे जैसे मैं उसको हार्ड ऑन करता जाऊंगा उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा कम नहीं होती है, 13-17% के आसपास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, बट आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 150 गुने के आसपास बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं, लिखिए हार्ड ड्रॉइंग, जब आप कॉपर में हार्ड ड्रॉइंग प्रोसेस करते हैं, हार्ड ड्रॉइंग प्रोसेस मतलब हार्ड ऑन कॉपर वायर में जब आप हार्ड ड्रॉइंग प्रोसेस करेंगे, हार्ड ऑन कॉपर बनाएंगे, हार्ड ड्रॉइंग प्रोसेस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली, ठीक है। कॉपर के वायर में जब हार्ड ड्रॉइंग प्रोसेस करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। बट इट इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंसिडरेबली, अच्छी खासी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कंसिडरेबली कंसिडर करने लायक होता है, अब हार्ड ऑन कॉपर कहां यूज किया जाता है, एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर, हार्ड ऑन कॉपर वायर कई बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिल जाएगा या फिर यहां पर टैपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए टैपिंग करना होता है ना, हेलो टैपिंग, जैसे मान लो यहां से पावर लेनी, यहां से पावर, ये आपका पास फीडर है, फीडर से टैपिंग करते हैं ना आप लोग, जो अपने खंबे से टैपिंग करते हैं, तो कई बार कॉपर का भी वायर लगाते हैं टैपिंग करने के लिए, आप देखेंगे एसी में कॉपर का वायर लगाते हैं जहां जहां टैपिंग की जरूरत होती है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ हार्ड ऑन कॉपर दैट इज इट इज यूज्ड in the distribution
सिस्टम। साथ ही साथ ये टैपिंग में भी यूज होता है, जहां से टैपिंग करते हैं, टैपिंग्स। और ये रेलवे ट्रैक्शन में भी यूज होता है, रेलवे ट्रैक्शन, बिल्कुल रेलवे ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं, बिल्कुल कम्यूटेटर भी बनाने में यूज करते हैं। वो तो वाइंडिंग वाइंडिंग वाला तो हाई कॉपर से यूज करते हैं, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज करते हैं फॉर ए स्मॉलर स्पैन लेंथ, छोटी स्मॉल स्पैन लेंथ अगर कम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर जहां पर टैपिंग काफी ज्यादा होती है, जहां पर टैपिंग ज्यादा होती है वहां भी आप, जहां पर आपको काफी ज्यादा टैपिंग करनी होती है क्योंकि कंडक्टर को उसकी करंट करंट कैपेसिटी जितनी ज्यादा टैपिंग होगी उतना ज्यादा करंट करे। हेलो, मान लो तीन मेरे पास कंज्यूमर लगे हैं तो तीनों कंज्यूमर करंट ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा करंट आपको कंडक्टर में चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए तो उसकी करंट करंट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो जनरली वो हार्ड वाउंड कॉपर का बना होता है। जहां पर टैपिंग ज्यादा होती है और जनरली उन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जहां पर स्पैन लेंथ कम होती है वहां पर जनरली हम क्या यूज करते हैं, हार्ड रॉक कॉपर। लिखो, इट इज यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड टैपिंग। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज की जाती है, तो लिख रहा हूं नाउ, लिखे हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा जो मैं लिख रहा हूं, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, वेयर हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर इज मोर सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहां हार्ड ड्रॉन कॉपर नेटवर्क इज मोर सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, वेयर स्पैन लेंथ बताया था, दो टावर या फिर दो पोल के बीच की डिस्टेंस, वेयर स्पैन लेंथ इज स्मॉल और शॉर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क में जहां पर स्पैन लेंथ कम होती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आपका कौन सा कॉपर यूज करते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर नेटवर्क यूज करते हैं। एंड जहां पर स्पैन लेंथ कम होगी और टैपिंग ज्यादा होगी, स्पैन लेंथ कम होनी चाहिए, टैपिंग ज्यादा, जितनी ज्यादा टैपिंग होगी उतना ज्यादा करंट। हेलो, यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि स्पैन लेंथ कम है और टैपिंग उससे ज्यादा है, अगर जितनी ज्यादा टैपिंग होगी तो उतना ज्यादा करंट आपके मेन कंडक्टर में फ्लो करेगा, ठीक है। तो फिर ज्यादा कंडक्टर फ्लो कराने के लिए कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं The hard drawn copper conductor is more suitable for the distribution work where the span length is small if a short and tappings are more। ये चीज यार, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कहां यूज किया जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज किया जाता है जहां पर आपकी स्पैन लेंथ कम होती है और टैपिंग ज्यादा होती है, स्पैन लेंथ कम होती है और टैपिंग ज्यादा होती है। दूसरा एक और इसका है, ट्रैक्शन में यूज करते हैं इसको, हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर आर यूज्ड इन द रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम। रेलवे ट्रैक्शन में आपके देखेंगे जो कंडक्टर खींचा होता है ना रेलवे लाइन पे, जिससे पेंटोग्राफ कनेक्ट होता है, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर का होता है, रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम।
ठीक है, ये इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। तो आपका पहला कॉपर का कंडक्टर कंप्लीट हो गया, कल हम लोग काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, दो दिन में टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूं, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं खत्म करने में, ठीक है। चलिए, अच्छा शाम को 5 बजे लूंगा मैं आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक क्लास 5 से लेकर 7:30 तक, ठीक है, 5 बजे मैसेज अभी मैं डाल दूंगा, 5 बजे स्टार्ट करेंगे हम लोग की क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।